जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि वीआईपी पार्टी छात्र मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता है वो लगातार सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम जानते हैं इनसे कि वो क्या कहते हैं। सड़क पर बैठे हुए हमारे जो ये विकास बॉक्सर जो है आंदोलन करने वाले थे गैंग रेप के खिलाफ, अति के खिलाफ, जो पकड़ के दो बजे रात को पकड़ के ले आए हैं, उसको अरेस्ट करके लिया, फिर अरेस्ट के बिना कुछ कहा, ये कोई मतलब है? आदमी को नहीं है पकड़ने के लिए, चल जाए दो बजे दारू पी के पकड़ने गए लोग वहाँ पर, महिलाओं को व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस अधिकारी जवाब को मांगने, पूरा मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह से हरकत करेगा ये तो अन्याय है। हम क्यों नहीं अपना अधिकार करें, अपना हक के लिए, मेरे मेरे बाल बच्चे के लिए, मेरे नौजवान के लिए, हम लोग हक के लिए लड़ने के लिए उतर रहे थे। तो आपने सुना कि जो छात्र है वो किस तरह से आक्रोशित है, पुलिस पे ब्लेम लगा रहे कि जब वो विकास बक्सर के भाई की गिरफ्तारी करने के लिए उनके घर पे गए हुए थे तो इस दौरान पुलिस नशे के भी हालत में थे। आप देख रहे पा रहे होंगे पत्रकार नगर का थाना, और इसी थाने के अंदर मुकेश सहनी पहुंच चुके हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं मुकेश सहनी से वो गिरफ्तारी देने क्यों आए हैं। इमरजेंसी का दौर आ गया है, आज किसी को बगैर पूछे हुए, बगैर बात किए हुए किसी को घर पे रात को दो बजे पहुंच जाना और किसी को अरेस्ट कर लेना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए आज हम भी थाना में आए हैं कि आपको अगर लग रहा है कि अगर इस तरीके से आप लोग अगर अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अपने पावर का, तो हम भी अरेस्ट देने के लिए आए हैं, गिरफ्तारी कीजिए। कहीं ना कहीं आज हमारे जो छात्र मोर्चा के तरफ से आज जो पटना में जिस तरीके से पटना में बच्चे के साथ गैंग रेप हो रहा है या इतने अत्याचार हो रहा है, बिहार में क्राइम बढ़ गया, इसको लेके आज छात्र मोर्चा के तरफ से आंदोलन किया जा रहा था। जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष छात्र मोर्चा के विकास बक्सर हैं, आज उनके घर पर उनको कल से प्रेशर दिया गया, दबाव बनाया गया, और उनको वो नहीं बात माने तो उनके घर पर उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया रात को दो बजे रात को, जबकि उनके तबीयत 102 डिग्री बुखार है, उसके हाथ भी टूटा हुआ, उसके बावजूद भी प्रशासन ने बगैर सोचे बगैर समझे कि आप आके लिखितनामा दीजिए कि आंदोलन नहीं कीजिएगा इसके लेके, नहीं तो हम आपके भाई को परिवार को गिरफ्तार करेंगे। तो ये सरासर गलत है, लोकतंत्र को हत्या है। तो इसके लिए आज हम भी आए, कौन प्रशासन है, क्या है, वो क्यों गिरफ्तार किए, वो अभी हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। और उनको लगता है कि अगर गिरफ्तार करने से ही काम बनता है तो हम भी आ जाएं, हमारे सैकड़ों समर्थक के साथ है, सबको गिरफ्तार करें, हम लोग फिर बैठेंगे यहीं पे, जब तक वो उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।